नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इंडोनेशिया में चल रहे 18वें एशियन गेम्स में भारत के खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा। 8वें दिन भारत के खिलाड़ियों ने कई मेडल जीते। आपको बता दें कि भारत के धावक मोहम्मद अनस याहिया ने पुरुषों की 400 मीटर स्पर्धा के फाइनल मुकाबले में रजत पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया। मोहम्मद अनस ने 45.69 सेकंड का समय लेकर भारत को रजत दिलाया। वहीं राजीव आरोकिया 45.84 सेकंड के साथ चौथे स्थान पर रहे। हालांकि अनस से गोल्ड की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अंतिम समय में वो थोड़े पिछड़ गए और उन्हें सिल्वर से ही संतोष करना पड़ा। अनस के अलावा राजीव से भी पदक की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उन्होंने फैंस को निराश करते हुए चौथा स्थान हासिल किया। राजीव ने अपनी रेस खत्म होने के लिए 45.84 सेकंड का समय लिया। हालांकि वो पदक जीत सकते थे, लेकिन कुछ ही सेकंड के फासले ने उन्हें पदक से दूर कर दिया। इसी के साथ भारत के लिए 8वां दिन काफी शानदार रहा। भले ही भारत ने उस दिन कोई गोल्ड मेडल ना जीता हो, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।